नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। चंपत ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा संजय सिंह को। और ये झटका इतना तगड़ा है कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पॉलिसी रही है शुरू से, जब से ये राजनीति में आए, और राजनीति में आकर इन्होंने हर आदमी पर अनर्गल आरोप लगाए, झूठ बोला, जनता को गुमराह किया और नेताओं पर आरोप लगाए। इसी का फायदा उठाकर जनता के अंदर, देश की जनता के अंदर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि सामने वाला चोर है और इनसे बड़ा ईमानदार कोई है नहीं। खुद ही कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देते हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और ना जाने क्या क्या। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्हें जो मार पड़ी है, जो जलालत इनको दी गई है, और साथ ही जलालत दी गई है देश के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह। दरअसल है क्या, गलत आदमी की संगत कहीं ना कहीं सही आदमी को भी गलत कर देती है, या हम यूं कह सकते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे ही होंगे। अभिषेक मनु सिंह भी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो अभिषेक मनु सिंह भी परेशान से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वो अभिषेक मनु सिंह भी आज अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की करतूत के कारण शर्मसार हो गए अदालत के अंदर। और हालत यहां तक पहुंच गई कि केजरीवाल के पक्ष में अभिषेक मनु सिंह भी ने एक भी दलील नहीं दी और वो चुपचाप बैठ गए। उधर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, ये हैबिचुअल है झूठ बोलने और लोगों पे आरोप लगाने के, ये हमेशा यही करते हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाता। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ रहा, देखिए। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी डिग्री जो है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, वो फर्जी है, और वो फर्जी डिग्री लेकर देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जब वो मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो यूनिवर्सिटी थी गुजरात की, उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से पढ़े हैं। इसके बाद भी जब इन लोगों ने हल्ला मचाया, तो भी यूनिवर्सिटी ने लिख के दिया था, नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यूनिवर्सिटी से यहां से पढ़े हैं, उनका एनरोलमेंट नंबर ये है, ईयर ये है, और इनके साथियों ने भी कहा कि हाँ, वो वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी आदत के अनुसार संजय सिंह को साथ लेकर पूरे देश के अंदर ये भ्रम फैला दे रहे हैं। आपको याद होगा, अनपढ़ नेता जो इन्होंने डायलॉग बोला था, वो झूठा डायलॉग आज इनके मुंह पर आके गिरा, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको बड़े तल्ख अंदाज में आज खरी खरी सुना। दरअसल उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी कथित टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार के आदेश को चुनौती, यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट था, उसने जो इनकी याचिका को खारिज कर दिया था, उसको चुनौती देने ये दोनों गुरु चेले सुप्रीम कोर्ट आए थे। देखिए, हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि गुजरात के जो निचली अदालत थी, उन्होंने भी इनको, इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिए थे, नॉन अवेलेबल वारंट। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट चले गए, वहां से भी इन्हें झटका लगा, सेशन कोर्ट से भी झटका लगा, क्योंकि इन दोनों गुरु चेलों को ये पता थी कि अगर गुजरात में ये पेश हो गए अदालतों के अंदर, तो शायद इन्हें जेल जाना पड़ेगा। अब ये जेल के नाम से तो भैया बहुत डरते, केजरीवाल तो मुझे लगता है कि थर थर कांपते हैं अब जेल से,
रो रहे थे ना, आपको याद है ना, रोए थे, इनकी पत्नी भी रोई थी, सुनीता केजरीवाल, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लीजिए, लेकिन जनता ने बचाया नहीं। हरियाणा में भी जाके रोई, अपने लाल को बचा लीजिए, वो लाल को ही नहीं बचाया। जो लाल तो झूठा था, सबको पता था, बड़ा झूठा मक्कार है, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, हरियाणा को भी करवाओगे क्या भैया? नहीं बचाया। अब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बचाया। और देखिए चालाकी इन दोनों गुरु चेलों की, देखिए इससे पहले चेला गया था, यानी कि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी याचिका खारिज हो गई थी, फिर उसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल आए थे, जिसको आज बहुत जबरदस्त पड़ी। प्रधानमंत्री की डिग्री पर टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सम्मन बरकरार रखा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, गुजरात हाईकोर्ट खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की कि जी वो सम्मन रद्द कर दिया जाए हमारे खिलाफ, और अब वो इससे आगे नहीं हो पाएंगे, हम माफी भी मांग लेते हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ये सम्मन रद्द कर दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर ये अब सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके आ रहे हैं, बड़े चालाक बन गए। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। क्लियर बता दिया कि भैया ये तो पहले ही जस्ता, ये तो पहले ही खारिज हो चुकी है 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को संजय सिंह ने लगाई थी वो खारिज कर दिया। 8 अप्रैल को चेला आ गया, अब गुरु पहुंच गया। अब इन्हें बहुत क्लियर कहा गया कि पीठ ने कहा हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा, मतलब हमें यहां पर यह सोचना होगा कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया जाए, क्योंकि ये आदमी हैबिचुअल झूठे हैं और ये इसी तरीके से देश के हर नेता पर, हर व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं, इसलिए यहां पर बहुत सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना होगा इस याचिका के निपटारे के। गुजरात उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को संजय सिंह और केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ जारी सम्मन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों राजनेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर इस मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सम्मन तथा उसके बाद सत्र न्यायालय द्वारा सम्मन के खिलाफ उनकी पुनर्निरीक्षण याचिकाओं को खारिज करने के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यानी कि जो याचिकाएं खारिज हो गई थी ये प्रधानमंत्री की डिग्री मामले को लेकर, उनमें उन्हें खारिज करने के लिए जो आदेश वहां से जारी हुए थे, उन्हें खारिज करने के लिए यहां पर पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करने आ गए। गुजरात उच्च न्यायालय ने जिस तरीके का फैसला इनके खिलाफ दिया था, ये पहुंच गए अब सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये यही मांग कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगा दी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मामला ये हुआ कि जो अरविंद केजरीवाल है ना, दिल्ली के टोटो टॉयलेट सीट चोर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आज बोले कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगने के लिए तैयार। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इनको कहा कि देखिए माफ तो अभी आपको माफी हम तो नहीं दे सकते, हमारे बस की नहीं है। अब इस पर अभिषेक मनु सिंह भी, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी, जो दिल्ली के खजाने के करोड़ों रुपए इन लुटेरों से ले चुके हैं, हर मामले में करोड़ों रुपए इन लुटेरों से ले चुके हैं, उन्होंने कहा जी मैं दलील देने के लिए तैयार हूं, इस पर मुझे दलील देने का मौका दे।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हम आपको बहस करने की अनुमति तो दे देंगे, अनुमति दे सकते हैं, लेकिन फिर आप इस मामले को वापस नहीं ले सकते। बहुत क्लियर सी बात है। फिर गुण और दोष के आधार पर इसमें फैसला किया जाएगा। अब इतना सुनना था कि अभिषेक मनु सिंह भी चुपचाप बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने खरी खरी फटकार लगाई, खरी खरी सुनाई अरविंद केजरीवाल को, और साफ इनकार कर दिया कि आप माफी यहां नहीं मांग सकते, आपको इसमें राहत नहीं दी जाएगी, आपको वापस वहीं पहुंचना पड़ेगा। आप ये समझिए कि जो लोग, मैं पूरे देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, या पूरी देश और दुनिया में जहां भी मुझे देखा जाता है, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं जो थोड़ा सा भी ये बात मानते थे कि केजरीवाल बड़ा ईमानदार है, या केजरीवाल एंड कंपनी बड़ी ईमानदार है, मफलर लपेट के जितनी नौटंकी ये कर रहे थे, उस नौटंकी का आज हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी, और धज्जियां उड़ा दी हैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के उस सच की जिसकी दुहाई ये कसमें खा खा कर देते। आप ये समझिए, हर आदमी पर आरोप, आरोप और आरोप, बस इनका यही काम है। अब ये धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल अपने सभी मामलों में लगातार पकड़े जा रहे हैं। आज माफी मांगने के लिए तैयार थे, क्योंकि तो शायद केजरीवाल एंड कंपनी को 100 करोड़ की रिश्वत मामले की तरह, शराब घोटाले की तरह, इन्हें यह भी बताया था, इनकी लीगल टीम ने यह भी बता दिया होगा कि ये जो मानहानि के मामले होते हैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बाद में जाके माफी मांग लीजिए, ये बताया होगा। लेकिन आज इन्हें उल्टी पड़ गई, क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ था, और आप समझिए कुछ पद देश के अंदर ऐसे हैं जिन पर के विवाद नहीं किया जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां अब विपक्ष की यही एक रोल रह गया है हर बात में। अब तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पर भी ये हमला बोल देते। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड ने अपने एक भाषण में गोवा के अंदर यही बात कही है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पर अगर फैसला कुछ लोगों के पक्ष में आ जाए तो अद्भुत संस्था है, और पक्ष में ना आए तो आप समझिए आरोपों की बौछार हो जाती है। यही कहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सभी झूठों का पर्दाफाश कर दिया है, उससे जो केजरीवाल को एक ईमानदार आदमी समझते थे, एक अच्छा आदमी समझते थे, चरित्रवान समझते थे, उससे आज नकाब उतर गया है, और लोगों को यह परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि आपने कैसे लोगों को वोट दिया है। बड़ी बात है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो धज्जियां उड़ाई हैं, ये तो सचमुच आम आदमी पार्टी और नेताओं और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत दुखद है। अरविंद केजरीवाल अब इस ऐसे संकट से गुजर रहे हैं जिसमें के वो जिसमें भी हाथ डालते हैं वो सब एक एक करके उनके सभी पाप अब उनके सामने आ रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।